एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी। यह अध्याय 24 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करना है। तो दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य के बारे में, संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, तालीकोटा का युद्ध, अरावीडु वंश, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, बहमनी साम्राज्य का विभाजन, इन सभी पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य का जो मैप है, एक बार जो है आप एनालिसिस कर लीजिए। ये आपका नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये महानदी है, ये देवगिरी है, ये अहमदनगर है, ये माहूर है, ये गोदावरी नदी है, ठीक है, ये भीमा नदी है, ये बीजापुर है, ये कांपली है, ये तुंगभद्रा नदी है, ये बनकपुर है, इधर विजयनगर है, ये कृष्णा नदी है। तो आप जो है एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। देखिए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का जो केंद्र था, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर द्वाब था। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी, बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था, याद रखिएगा। विजयनगर राज की स्थापना हरिहर और बुका नामक दो भाइयों ने की थी, जो वारांगल के काकतीय राजा के जो है सामंत थे और बाद में कांपली नामक राज्य में मंत्री बन गए। कांपली जो है आधुनिक कर्नाटक में, और वारांगल मतलब तेलंगाना। कांपली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया। अपने गुरु विधारण्य के निर्देश पर जो है ये फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए। उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। संगम वंश, समय है 1336 से 1450 ईस्वी। देखिए, पहला जो वंश है संगम वंश, संस्थापक थे हरिहर प्रथम, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम, समय है 1336 से 1450 ईस्वी, और इस वंश के अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय। इसके बाद सालू वंश, संस्थापक था सालू नरसिंह, समय है 1485 से 1505 ईस्वी, इसके अंतिम शासक थे इस वंश के इमाडी नरसिंह। तुल्लु वंश जो है इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह, तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, समय है 1505 से 1565 ईस्वी, अंतिम शासक सदाशिव राय। इसके बाद है अरावीडु वंश, संस्थापक थे तिरुमल, और समय है 1570 से 1652 ईस्वी, और अंतिम शासक रंग तृतीय था। हरिहर प्रथम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, समय है 1336 से 1356 ईस्वी। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर के सिंहासनारोहण का वर्ष 1336 ईस्वी बताया जाता है। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। आरंभ में विजयनगर राज सहकारी राज व्यवस्था पर जो है आधारित था। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुका की सहायता से जो है साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक जो है विस्तृत किया। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। उसने काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज को देश स्थल और नाडुओं में विभाजित कर दिया। बुका प्रथम के बारे में देख लेते हैं, और इसका समय है 1356 से 1377 ईस्वी। अपने भाई हरिहर प्रथम के मृत्यु के बाद 1356 ईस्वी में बुका सिंहासन पर बैठा। उसने 1377 ईस्वी तक जो है शासन किया। वह एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विविधा प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों की जो है स्वामी कहा गया है। तो अभिलेखों में उसे क्या कहा गया है? पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो बुक्का प्रथम की महान विजय जो है मदुरा विजय थी। बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय थी, जिसके कारण उसका राज सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक जो है पहुंच गया। मदुरा विजय के लिए बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज से हुआ। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। एक अफगान अलाउद्दीन हसन, जिनका कह सकते हैं उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ,
जिसमें कह सकते हैं कि हसन गंगू के नाम से इसे, जो हसन गंगू है ये किसकी सेवा में रहते हुए इसका उत्थान हुआ, तो एक अफगान अलाउद्दीन हसन, ठीक है, और इसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। उसने गद्दीन सीन होने के बाद, यानी गद्दी पर बैठने के बाद, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो है अपना कह सकते हैं कि खिताब जो है धारण किया। विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव तीन अलग अलग क्षेत्रों, तुंगभद्रा के दुआब, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र और मराठवाड़ा प्रदेश में था। हरिहर द्वितीय, समय है 1377 से 1405 ईस्वी। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति को आरंभ की, ठीक है। वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि को धारण की। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु उसने शैव, वैष्णव व जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का जो श्रेय है हरिहर द्वितीय को दिया जाता है। हरिहर द्वितीय विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राजव्यास यानी राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार शरणाचार्य उसके मुख्यमंत्री थे। उसके एक अभिलेख में माधव विधारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। किसको? माधव विधारण्य को। जैन धर्म का अनुयायी तथा नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरु गांपा, कौन? इरु गांपा उसका सेनापति था। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की जो है मृत्यु हो गई। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वरांगल शासकों का राज्य था। हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया। उसने एक नई परंपरा की जो है शुरुआत की, देवराय प्रथम, और इनका जो समय है 1406 से 1422 ईस्वी। हरिहर द्वितीय के मृत्यु के पश्चात उस समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ। बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर जो है आक्रमण किया। बहमनी शासक जो है फिरोज शाह, इसने क्या किया? विजयनगर पर जो है आक्रमण किया, जिसमें देवराय प्रथम जो है पराजित हुआ। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया और बांकापुर को दहेज के रूप में उसे दे दिया। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की कमी को दूर की जा सके। इन नहरों के द्वारा आसपास के खेतों की सिंचाई जो है होती थी। इन नहरों के कारण उसके राजस्व में 3,50,000 परदाओं की जो है वृद्धि हुई। सिंचाई के प्रयोजनों से उसने हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। देवराय प्रथम ने ही 10,000 मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोलो डी कांटी ने 1430 ईस्वी में विजयनगर की जो है यात्रा की थी। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है, देवराय प्रथम के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोलो डी कांटी 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने नगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है। देवराय प्रथम हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। देवराय प्रथम हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्र, देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र इसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु वह मात्र 6 माह तक जो है शासन कर पाया। 6 माह विजयनगर प्रथम जो है ये भी 6 महीने तक जो है शासन किया था। विजयनगर प्रथम शासक बना जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में जो है ये प्रसिद्ध हुआ, और इसने भी मात्र 6 महीने तक शासन किया, देवराय द्वितीय। और इसका शासनकाल जो है 1422 से 1446 ईस्वी। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसने गज बैठकर, किसका? गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी, और
इमाडी देवराय यानी प्रौढ़ देवराय की उपाधि को धारण की। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदी पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका के तट तक विस्तृत हो गया था। श्रीलंका के यानी सिलोन के तट तक ये फैल गया था इसका जो है साम्राज्य। अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को जो है अपनी सेना में यानी धन जो धनुष थे धनुष धारण करने वाले 2000 तुर्की को जो है अपनी सेना में इसने भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें प्रदान की। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कांटी कहता है कि इस नगर की परिधि जो है 60 मील है। इस नगर की जो परिधि है वो कितना मील है? 60 मील, 60 मील। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है और इन पहाड़ियों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया है। विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है अब्दुल रजाक। देखिए अब्दुल रजाक जो है इनका जो संबंध है फारस से, देवराय प्रथम के ये समय में आए थे। ये यात्री जो है अब्दुल रजाक, ये देवराय प्रथम के शासक जो देवराय प्रथम है इनके शासनकाल में ये आए और विजयनगर सचिवालय का वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी इटली यात्री आया था और विजयनगर शहर का इसने वर्णन किया है। और कृष्ण देवराय के समय में पुर्तगाली यात्री पायस आया था और इसने विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया है। कृष्ण देवराय के समय में पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था, सती प्रथा का वर्णन किया है। तालिकोटा के जो युद्ध है, तालिकोटा युद्ध के बाद भारत जो है भारत तालिकोटा युद्ध के बाद भारत यानी अगर बात करें तो सीजर फ्रेडरिक ये पुर्तगाली था और विजयनगर का जो है इसने वर्णन किया है। अच्युत देवराय ये देखिए अच्युत देवराय के शासनकाल में नूनिज पुर्तगाली जो था, नूनिज आया था जो कि पुर्तगाली था, पुर्तगाल से इसका संबंध था और इसने सती प्रथा का उल्लेख किया। और मोहम्मद तृतीय के समय में रूस यात्री निकितिन आया था और इसने विजयनगर की असमानता का जो है वर्णन किया। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर तक जो है यात्रा की थी। अब्दुल रजाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में वह विजयनगर पहुंचा था। अब्दुल रजाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे या जितने नगरों के बारे में उसने सुना था, विजयनगर उनमें से सबसे भव्य नगरों में से एक था। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि याद रखिएगा दरबारी कवि दीन दीमा को एक शस्त्रास्त्र में पराजित कर दिया था। तो तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दीन दीमा को एक शस्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्के की जो है बौछार की थी, यानी कनकाभिषेक सम्मान दिया था। इसके बाद है मल्लिका अर्जुन और इसका जो शासनकाल है 1446 से 1465 ईस्वी। मल्लिका अर्जुन ने भी अपने पिता देवराय प्रथम की भांति गजवेटकर की उपाधि को जो है धारण की थी। मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में महुआन नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा पर विजयनगर जो है आया था। जो विरूपाक्ष द्वितीय है इसका जो समय है 1465 से 1485 ईस्वी। विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। जो विरूपाक्ष द्वितीय है यह संगम वंश का अंतिम शासक हुआ। बहमनी वजीर महमूद खा और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने क्या किया? बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबूल और चोल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया। बहमनी साम्राज्य के द्वारा विजयनगर की यह प्रथम पराजय थी। बहमनी साम्राज्य के द्वारा विजयनगर की यह प्रथम पराजय थी, याद रखिएगा। इसके बाद प्रौढ़ देवराय, इसका जो समय 1485 ईस्वी। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा। यह घटना प्रथम बलापहार कहलाती है। ठीक है, तो
प्रथम यह घटना जो है विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा और यह घटना प्रथम बलापहार कहलाती है। इसके बाद सालु वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत होता है सालु वंश का। सालु वंश का जो समय 1485 से 1505 ईस्वी। सालु वंश में सबसे पहले सालु नरसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनका जो शासन काल है 1485 से 1490 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक जो है प्राप्त करने के बाद सालु वंश की जो है स्थापना हुई। यह विजयनगर का द्वितीय राजवंश था और इस वंश का संस्थापक सालु नरसी था। तो सालु नरसी जो था क्या था, तो सालु वंश के संस्थापक था। सालु नरसी के समय में उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया, उसे पराजित करके बंदी बना लिया। 1490 ईस्वी में सालु नरसी की मृत्यु हो गई। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसी ने इमाड़ी नरसी की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर जो है अधिकार कर लिया तथा विजयनगर के तृतीय राजवंश तुल्लु वंश की स्थापना की। याद रखिएगा, तुल्लु वंश। वीर नरसी के द्वारा इमाड़ी नरसी की हत्या कर शासन पर जो है अधिकार करने की घटना को द्वितीय बलापहार यानी द्वितीय अपहरण कहा गया। इसके बाद शुरू होता है तुल्लु वंश। समय है 1505 से 1565 ईस्वी। तुल्लु वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुल्लु वंश के कुछ 6 शासकों ने 60 वर्ष तक जो है शासन किया था। सबसे पहला नाम वीर नरसिंह का आता है। समय है 1505 से 1509 ईस्वी। वीर नरसिंह तुल्लु वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्ष तक जो है शासन किया। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि ग्रहण की और उसने विवाह कर को जो है समाप्त कर दिया। विवाह पर जो लगने वाला कर था इसने जो है इसको समाप्त कर एक उदार नीति की शुरुआत की। कृष्णदेव राय और इनका जो समय है शासन काल जो है 1509 से 1530 ईस्वी। इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। पायस नामक एक पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव के दरबार में अनेक वर्ष बिताए थे। कृष्णदेव एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और एक विशाल तालाब ही खुदवाया जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। वह स्वयं तेलुगु और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। देखिए, उसके शासन काल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था उसी के दरबार से संबंधित थे। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेदन सर प्रमुख था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ये ज्ञाता था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो कृष्णदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसके साम्राज्य में सहिष्णुता और उदारता व्याप्त थी। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा की थी। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है, कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री कौन कौन आए? बारबोसा और डोमिंगो पायस, और इन दोनों ने विजयनगर की यात्रा की थी। बारबोसा कहता है, क्या कहता है, कि राजा इतनी आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकता है। यह है बारबोसा का कथन। कृष्णदेव गजपतियों को पराजित कर वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले आया तथा विजयनगर में कृष्णा स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में प्रतिमा की स्थापना की। राजधानी के दक्षिणी सीमांत पर उसने जो है अपनी माता के नाम पर नांगलपुर नामक जो है नया नगर जो है बसाया। कृष्णदेव राय ने हासपेट नामक नगर जो है अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। उसने अनेक भव्य भवनों व मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें हजार मंदिर व विट्ठल स्वामी के मंदिर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चिदंबरम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय का एक महान व वीर शासक के रूप में जो है वर्णन किया है, अच्युत देव राय। समय है 1530 से 1542 ईस्वी। कृष्णदेव राय ने अपने मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। अच्युत देव राय के समय में ही पुर्तगालियों ने तुतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर जो है अधिकार कर लिया था। अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा की थी। याद रखिएगा, अच्युत देव राय के समय में किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो पुर्तगाली यात्री नूनीज ने। नूनीज घोड़े का व्यापारी था। उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ
फरनास नूनिज में विजयनगर साम्राज्य के आरंभ से लेकर अच्युत देवराय के शासन के अंतिम वर्षों का जो है इतिहास को प्रस्तुत किया है। अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। सदा शिवराय के बारे में देख लेते हैं, समय है 1542 से 1570 ईस्वी। 1543 ईस्वी में सदा शिवराय गद्दी पर बैठा। 1567 ईस्वी में जो है इसने जो है शासन किया। सदा शिवराय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। तो 1543 में सदा शिवराय गद्दी पर बैठता है, 1567 तक जो है वो शासन करता है। सदा शिवराय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ताली कोटा यानी राक्षस तंगड़ी का युद्ध, राक्षस तंगड़ी 1565 ईस्वी में। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना है। 1565 ईस्वी में ताली कोटा के निकट बनीहट्टी को युद्ध में बहमनियों के संघ, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर शामिल थे, इसने क्या किया, विजयनगर को गहरी शिकस्त दी। तो बहमनियों के संघ ने विजयनगर को गहरी शिकस्त दी यानी परास्त किया। इससे ताली कोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था। दक्षिणी राज्यों ने पारंपरिक कह सकते हैं या पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा महासंघ को जो है मजबूत बनाया। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री जमाली बीबी का विवाह इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ था। हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी पुत्री चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल के साथ की थी। राम राय को घेर लिया गया, ठीक है, और उसे पकड़कर तुरंत जो है उसकी हत्या कर दी गई। विजयनगर को अत्यधिक लूटा गया और विनाश के कगार पे जो है इसे पहुंचा दिया गया। बनी हाठी की लड़ाई को सामान्यतः विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। सेवेल जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की है, तो सेवेल जो है इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, अपने आंखों देखा था, जिसने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की। तालिकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की और स्थिति का जो है वर्णन किया। तालिकोटा युद्ध के पश्चात राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ गया, यहीं से शासन करना ये प्रारंभ किया। उसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश अरावीडु वंश की स्थापना की। इसके बाद अरावीडु वंश जो है स्टार्ट होता है और इसका शासन काल है 1570 से 1652 ईस्वी। तालिकोटा के युद्ध के पश्चात तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदा शिवराय की हत्या करके अरावीडु वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। वेंकट द्वितीय इस वंश का सर्वप्रथम शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक रंग तृतीय था, जिसके राज में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद है विजयनगर प्रशासन, देख लेते हैं। विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसमें राज के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। तो राजा को सलाह देने के लिए विजयनगर राज्य में एक मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसमें राज के प्रमुख जो थे वो सरदार हुआ करते थे। राज के प्रमुख कौन होते थे, सरदार। अगर बात करें तो देखिए राजमंडलम में याद रखिएगा, जो राजमंडलम है, राजमंडलम में विभाजित जो राज है मंडलम में विभाजित होता था, वैसे मंडलम को राज भी कहा जाता था। मंडलम के नीचे नाडु यानी जिला, स्थल यानी उपजिला और ग्राम होता था। प्रांतीय शासक के बारे में अगर देखें तो प्रांतीय शासक को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी। वह अपना दरबार लगाता था, अपने अधिकारी नियुक्त करता था और अपनी सेना भी रखता था। राजा सैनिक सरदारों को जो है अमरम या पालीगार निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। देखिए पल फुगार यानी पोलीगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। देखिए फसल, मिट्टी की किस्म और सिंचाई की विधि आदि के अनुसार राजस्व की दरों में बहुत अंतर होता था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगने वाला कर, पेशागत कर, सैनिक कर यानी मुसीबत के दिनों में, और विवाह कर आदि थे। 16वीं सदी का यात्री
निकितन, देखिए कौन, निकितन कहता है, ये 16वीं सदी का यात्री है निकितन, यह कहता है कि जमीन आबादी से भरी हुई थी, जो भूमि था वहां के आबादी से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा आबादी थी, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे वे बहुत दयनीय अवस्था में रहते थे, जबकि सरदार लोग अत्यधिक समृद्ध थे और एक विलासिता का जीवन को जो है वे व्यतीत करते थे। विजयनगर साम्राज्य में शहरी जीवन का विकास हुआ तथा वाणिज्य व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। बहुत से शहर मंदिरों के आसपास विकसित हुए। मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे तथा उन्हें जो है तीर्थ यात्रियों को प्रसाद, ईश्वर की सेवा, पुजारियों के निर्वाह आदि के लिए खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती थी। मंदिर बहुत समृद्ध थे। यह मंदिर आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे। इसके बाद है बहमनी साम्राज्य। अलाउद्दीन बहमन शाह, समय है 1347 से 1358 ईस्वी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी का शासक बना तथा गुलबर्गा को जो है अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित है। इसने संपूर्ण साम्राज्य को चार तराफों यानी चार प्रांतों, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार में विभाजित किया था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के प्रति जो है उदार नीति अपनाई। उसने राज्य में जजिया की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मुहम्मद शाह प्रथम, मुहम्मद शाह प्रथम के बारे में देख लेते हैं। देखिए 1367 ईस्वी में मुदकल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग हुआ। तो याद रखिएगा तोपखाने का प्रयोग कहाँ हुआ। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह, शासनकाल है 1397 से 1422 ईस्वी। फिरोज शाह विद्वान और विभिन्न विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न लैंग्वेजों का ये ज्ञाता था। वह अपनी पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करता था। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया। उसने अपने छोटे भाई अहमद शाह के पक्ष में 1422 ईस्वी में राज सिंहासन का त्याग कर दिया था। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, इसका जो शासनकाल है 1422 से 1436 ईस्वी। सूफी संत गेसुदराज, ठीक है, सूफी संत गेसुदराज ने या गेसुदराज से संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। किसको, शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम को। वरांगल के द्वारा देवराय प्रथम को सहयोग देने, क्या करने, सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने जो है वरांगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और साम्राज्य के विस्तृत होने के कारण यानी फैले हुए होने के कारण गुलबर्गा की जगह बीदर को राजधानी बनाया। इस नवीन राजधानी को मुहम्मदाबाद नाम दिया गया। इसके बाद है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, समय है 1436 से 1458 ईस्वी। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय अपने पिता की तरह योग्य और विद्वान शासक था। इसका संपूर्ण शासन काल जो है तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर, मालवा के साथ युद्ध में व्यतीत हुआ। बहमनी साम्राज्य, समय है 1481 ईस्वी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहमनी साम्राज्य है इसका विस्तार किस तरह से हुआ है। तो ये रहा इसका विस्तार, इस तरह से, ये जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इधर अरब सागर है, ये बंगाल का खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये विजयनगर है, उदयगिरी है, ये कोंडावीडू है, ये कोंडापल्ली है। तो आप एक बार इसको अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके शासनकाल में अगर बात करें तो महमूद गवां को राज की सेवा में लिया गया। इसके बाद है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह जो है इनका जो शासनकाल है 1458 से 1461 ईस्वी, और इसकी क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसने दक्कन का इसे जो है इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो। इसके बाद है निजाम शाह। निजाम शाह का जो शासनकाल है 1461 से 63 ईस्वी। निजाम शाह के संरक्षक के रूप में मखदूम बेगम, ख्वाजा जहां और महमूद गवां की एक परिषद का निर्माण हुआ जिसके हाथों में वास्तविक सत्ता थी। इसके बाद मुहम्मद शाह तृतीय, समय काल है 1463 से 1482 ईस्वी। और महमूद शाह तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां इसका मंत्री बना। इसके समय में ईरानी व्यापारी महमूद गवां ने बहमनी सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली तथा महमूद गवां को जो है मलिक तुजार की जो है उपाधि प्रदान की गई, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए
नेक्स्ट है महमूद शाह, इसके शासनकाल में अराजकता की स्थिति बनी रही, प्रांतीय सूबेदार अपने को स्वतंत्र करने लगे। इसके पश्चात महमूद शाह के उत्तराधिकारी कासिम उल मुमालिक के हाथों की कठपुतली बने रहे, जबकि वास्तविक सत्ता जो है महमूद शाह के हाथों में थी। कासिम उल मुमालिक के मृत्यु के बाद सत्ता उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में चली गई। अमीर उल बरीद को दक्कन की जो है लोमड़ी कहा जाता था, दक्कन की लोमड़ी। इसके बाद है कल्ली मुल्ला शाह, यह अंतिम बहमनी शासक था जिसने अपने राज को बचाने के लिए बाबर से सहायता मांगी थी। 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद ने कल्ली मुल्ला शाह की हत्या कर बीदर के बरीद शाही वंश की जो है स्थापना की। 1618 से 19 ईस्वी में औरंगजेब ने बीदर पर जो है अधिकार कर लिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे राज संस्थापक स्थापना, ठीक है, राजवंश, राजधानी और विलय। तो बरार जो है, बरार राज, इसके संस्थापक फतह उल्ला इमाद शाह था, स्थापना 1484 में, और इमाद शाही इसका राजवंश था। राजधानी एलिचपुर और गाविलगढ़, और विलय हुआ था 1574 ईस्वी को अहमदनगर में। बीजापुर इसके संस्थापक यूसुफ आदिल खां था, 1489 में जो है स्थापना हुआ था, आदिल शाही इसका वंश था। और नौरसपुर राजधानी और विलय जो हुआ था 1686 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में। तीसरा है अहमदनगर, संस्थापक मलिक अहमद था, स्थापना 1490 में, राजवंश निजाम शाही था। और राजधानी जुनार और अहमदनगर सॉरी सॉरी 1663 को शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय हुआ। इसके बाद है गोलकुंडा, संस्थापक कुली कुतुब शाह, स्थापना 1512 ईस्वी में, कुतुब शाही वंश है, याद रखिएगा। और राजधानी गोलकुंडा, विलय 1657 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में। इसके बाद है बीदर, ये इसके जो संस्थापक थे अमीर अली बरीर, और स्थापना 1526 में, बरीद शाही राजवंश, बीदर इसकी राजधानी। 1618 ईस्वी को जो है बीजापुर में इसका विलय कर दिया गया। इसके बाद है महमूद गवां, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए महमूद गवां जो है जन्म से ईरानी था और आरंभ में वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ था। सुल्तान ने उसे मलिक उन तुजार यानी व्यापारियों का प्रधान का खिताब प्रदान किया था। इसके कुछ समय पश्चात वह सुल्तान का पेशवा या प्रधानमंत्री बन गया। महमूद गवां का प्रमुख सैनिक योगदान पश्चिमी तट के प्रदेशों दाभोल और गोवा पर विजय प्राप्त करना था। महमूद गवां ने राज की उत्तरी सीमाओं को अस्थायित्व तो प्रदान करने की कोशिश की थी। महमूद गवां ने कई आंतरिक सुधार किए। उसने राज को 8 प्रांतों या तराफों में विभाजित किया था। महमूद गवां कला का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा या विद्यालय बनवाया और भूमि की नियमित नाप के आदेश दिए। महमूद गवां ने सैजत उल इंसा तथा दीवना ए अक्त, दीवना ए अक्त नामक जो है दो ग्रंथों की रचना की थी, याद रखिएगा। बहमनी, देखिए बहमनी सल्तनत की एक बड़ी समस्या अमीरों के मध्य होने वाले झगड़े थे। अमीर लोग पूर्वागंतुक थे, इनको दक्कनियों और अफ्रीकियों या नवा आगंतुकों जो गरीब ही कहलाते थे, इनमें ये बटे हुए थे। जो पहले से आए हुए थे दक्कनी थे, अफ्रीकी थे, और जो नए आए हुए थे इन सभी में ये बटे हुए थे। महमूद गवां नवागंतुक था, जो उसके विरोधियों ने युवा सुल्तान को भड़का दिया और 1482 ईस्वी में उसने महमूद गवां को जो है मृत्युदंड दे दिया। शीघ्र ही बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। गोलकुंडा, याद रखिए गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर में। बहमनी सल्तनत ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया था। बहमनी साम्राज्य का जो विभाजन है इसके बारे में देख लेते हैं। अहमदनगर के निजाम शाह, समय है 1490 से 1663 ईस्वी। 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज की जो है स्थापना करके निजाम शाही वंश की स्थापना की। 1663 में शाहजहां ने इस वंश को इससे जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर के आदिल शाही, समय है 1490 से 1686 ईस्वी। 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर को स्वतंत्र करके वहां आदिल शाही वंश की स्थापना की। इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर हिंदी को जो है राजभाषा बनाया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है जगत गुरु अवला बाबा तथा निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इसने इसने जो है किसने तो
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसने जो है किताब ए नौरस की रचना की, किताब ए नौरस, इसको जगत गुरु अबला बाबा, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसकी जो रचना है किताब ए नौरस। इस वंश का अंतिम जो शासक था मोहम्मद आदिल शाह था। इसका मकबरा गोल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है। गोल देखिए, गोलकुंडा के कुतुब शाही, इनका जो शासनकाल है 1518 से 1687 ईस्वी। 1518 में कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा की जो स्थापना और कुतुब शाही वंश की जो नींव है डाली गई, और गोलकुंडा को जो है अपनी, बताइए, राजधानी, याद रखिएगा, गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। एक अन्य कुतुब शाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की जो है स्थापना की, और वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। बरार के इमाद शाही, समय है 1490 से 1574 ईस्वी। 1490 ईस्वी में फतुल्लाह खां इमाद उल मुल्क ने बरार में स्वतंत्रता की घोषणा की तथा इमाद शाही वंश की स्थापना की। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को जो है अपने राज में मिला लिया। इसके बाद है बीदर के बरीद शाही, समय है 1527 से 1619 ईस्वी। 1527 में अमीर उल बरीद के द्वारा बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई। अमीर उल बरीद द्वारा, याद रखिएगा, बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना 1619 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने इसे अपने राज में मिला लिया। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। सेकेंड प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो आठ तेलुगु कवि। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। फाइव नंबर, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबद के लिए। बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सेवन नंबर, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्ण देव राय के शासनकाल में। प्रश्न संख्या एट, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का, याद रखिएगा। नाइन नंबर, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर समाज में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है? किस विदेशी यात्री ने विजयनगर समाज में प्रचलित बहुविवाह और सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो निकोल कांटी। कौन? निकोल कांटी। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यादा का लेखक कौन था? तेलुगु कृति अमुक्त माल्यादा का लेखक कौन था? तो कृष्ण देव राय प्रथम, सॉरी, कृष्ण देव राय प्रथम, मतलब जो है अंडरस्टूड, छोड़ दीजिए उसको। कृष्ण देव राय जो है आपको ध्यान में रखना है, जो तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक था वो कृष्ण देव राय था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सौर प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की सौर प्रमुख विशेषता थी वो भू राजस्व थी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।